हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। दिस इज राजकुमार सैनी। अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। आ गए सभी, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए फटाफट, फिर सेशन की शुरुआत करेंगे। रुकेगा, कहाँ रहेगा बच्चे? एक बार वेट कर लेते हैं, एक बार रुकेगा। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वेलकम टू बैंक प्रो यूट्यूब चैनल। दिस इज़ राजकुमार सैनी, अन अकेडमी बैंक प्लस एजुकेटर। आप सभी का स्वागत करते हैं। सो आज जो अपना सेशन होगा, जैसा कि आप सभी को मैंने बताया था, कैलकुलेशन वाला सेशन चल रहा है। यस, उससे पहले थोड़ा सा गौर कीजिए, जो अपना 10th मार्च से भी जो बैच स्टार्ट हुए हैं उनके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपको। 10th मार्च को स्टार्ट हुआ है एक्सीलेटर बैच SBI क्लर्क 2021 के लिए, रन विजय बैच सेट 2021 के लिए, एंड टारगेट IBPS PO, टारगेट IBPS PO 2021, SBI PO 2021, ये सारे बैचेस स्टार्ट हुए हैं। कहाँ रह गए सभी बच्चे? एक बार ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, बच्चे कहाँ रह गए अभी तक? फाउंडेशन बैच फॉर ऑल SBI एग्जाम्स, RBI ग्रेड बी क्रैश कोर्स फेज 2, ये सारे बैचेस आप एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, अगर आप एक प्लस यूजर्स हैं तो। ओके, और जैसा मैं बताता हूँ आप लोगों को, एवरी संडे आपका कॉम्बैक्ट एग्जाम होता है 10 बजे। यस, कोड मैंने बता रखा आप सभी को, राज एस लाइव, आपको यूज करके इसको एनरोल कर सकते हैं। ये सभी के लिए है, ये टेस्ट जो है, ये स्कॉलरशिप का टेस्ट, ये सभी के लिए बच्चे, चाहे वो प्लस यूजर्स हो या ना हो, सभी के लिए ये बच्चे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक बार सुमित जी ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, ग्रुप में मैसेज कर दीजिए कि सभी बच्चे आ जाइए, सेशन स्टार्ट हो चुका है, ग्रुप में मैसेज कर दीजिए। ओके, फिर सेशन की शुरुआत करेंगे। कोड कहाँ यूज में लेना है मैं आप सभी को बता चुका हूँ, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करके हैव ए रेफरल कोड में आपको यूज में लेना है, यहाँ पे राज एस लाइव, ठीक है? सो जल्दी से आ जाइए फटाफट, फिर सेशन की शुरुआत करेंगे। चलिए, गुड इवनिंग। एक बार सभी बच्चे बता दीजिए, वॉइस एंड वीडियो क्लियर है सभी को? वॉइस एंड वीडियो क्लियर है, यस और नो? यस, चलिए, तो वॉइस एंड वीडियो क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, स्टार्ट करेंगे अपना सेशन।
ऑल राइट, चलिए एक मिनट रुकिएगा। स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। चलिए, सो मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी, कौन सी? कि सर जब भी हमें किसी भी संख्या को 5 से मल्टीप्लाई करना हो, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि सर आपको 21 को 5 से करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट इसका हाफ करना है, इस संख्या का आपको हाफ करना है, इसका आपको हाफ करना है, कितना होगा? 10.5 का हो गया। कि सर इसका जो हाफ होगा वो 10.5 होगा। यस, अब 10.5 को सिर्फ मल्टीप्लाई करना आपको 10 से, तो कितने हो गए? 105। ये तो छोटा नंबर हो गया, कोई बड़ा नंबर लीजिए, कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ आप लोगों को 238, और उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। अब 238 का आधा कर लो बस, आप कहोगे 119। यस और नो, क्या मेरी बात समझ में आ गई? 119, यस और नो? 119 हो गया। सिंपल सा बस एक जीरो आगे लगा दीजिए, ये आपके आंसर आ जाएंगे। सिंपल सा एक जीरो आगे लगा दीजिए, वो आपके आंसर आ जाएंगे। क्लियर है सभी को? यस और नो? आज बच्चे कहाँ रह गए, समझ नहीं आ रहा? आज बच्चे क्लास में कम कैसे दिख रहे हैं? कहाँ पे आ सारे बच्चे? हाँ, कहाँ पे आ सारे बच्चे? बोलिए कहाँ रह गए सभी बच्चे? चलिए ठीक है, तो मैंने ये आप लोगों को बता दिया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत बच्चे लेट आ रहे हैं, पता नहीं क्यों आ रहे हैं लेट, समझ नहीं आ रहा मेरे को। एक मिनट रुकिएगा। चलिए, सो हमने पढ़ लिया। चलिए, अभी स्टार्ट हुआ बच्चे, अभी स्टार्ट हुआ, जल्दी से आ जाइए, जल्दी से आ जाइए सभी बच्चे। सो हमने ये पढ़ लिया था, फिर मैंने कहा कि सर ये तो बात हो गई 5 से। फॉर एग्जांपल अगर हमें 25 को करना हो, मैंने कहा 18 × 25, आपको मैंने एक एग्जांपल दिया। यस, तो मैंने इसमें क्या बोला था आपको? जस्ट आपको इसमें 4 का डिवाइड करना है, जो आपके पास ये दूसरी संख्या, इसको 4 का डिवाइड करना है और डबल जीरो आगे लगाना है बस। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो आप कहोगे सर 4.5 हो गया, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितने आ गए? सर 1 पॉइंट से जीरो कट गया तो सर 450। बात समझ में आ गई? यस और नो? क्या सभी को क्लियर है? कोई बड़ा नंबर ले लीजिए, मैंने कहा आपको 120, इसको सर आपको 25 से करना है। यस, तो क्या करोगे? सिंपल सा, सर इसका चौथा हिस्सा कर दो, कितना आएगा? सर आप कहोगे कि इसका चौथा हिस्सा 30 आएगा, और आगे 2 जीरो लगा दो बस, 3000। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, यस और नो? कमेंट कीजिए, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, यस? चलिए तो चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आवाज क्लियर आ रही है? चलिए बहुत बढ़िया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? चलो आज तो हमने ये, यहां तक तो हमने उस दिन ही पढ़ लिया था, मैं मैसेज कर दिया है, पता है। ओके ठीक है, आगे बढ़िए। ये तो हमने कर लिया था उस दिन, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सर हमें अगर, ये तो बात हो गई 25 की, अगर मैं आप लोगों को कहूँ, हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि सर अगर किसी संख्या को 125 से मल्टीप्लाई करना हो, तो 125 से मल्टीप्लाई करना हो, चलो कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, कोई भी बड़ा नंबर ले लेते हैं। चलो मैंने आप लोगों के लिए नंबर लिया, चलो एक नंबर और लेता हूँ 25 के लिए, 1364 × 25। आपको इससे करना है तो कितना टाइम लगाओगे? आप पहले इसमें मल्टीप्लाई करोगे, कुछ नहीं करना। मैंने क्या कहा? 25 से जब भी मल्टीप्लाई करना हो, 4 से डिवाइड कर दो बस, 4 से डिवाइड कर दो, डेट सेट। 4 से डिवाइड करोगे तो 1364 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? आप कहोगे 341, और उसको आगे क्या करना है? सर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो बस, सिंपल सा बात, 341000 आंसर। अगर आपके पॉइंट में नहीं आ रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल डायरेक्ट एकदम परफेक्ट कट रहा है, परफेक्ट आपके फैक्टर हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है बच्चे? डायरेक्ट डबल जीरो लगानी है, याद रखना।
डायरेक्ट डबल जीरो लगानी है याद रखना बच्चे, डायरेक्ट डबल जीरो लगानी है याद रखना, इज दैट क्लियर? डायरेक्ट डबल जीरो लगानी है, बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने आप लोगों से कहा एक ट्रिक, मैंने आगे एक बताई, ये तो हमारी 25 की होगी। फिर मैंने कहा अगर 125 से मल्टीप्लाई करना हो किसी संख्या को, देखो मैंने कहा 40 को 125 से करना हो तो सिंपल सा क्या करना है, इसका 8 गुना कर दो। अब इसमें 8 का भाग दे दो, इसका 8, इसको 8 से डिवाइड कर दो बस। यस, क्या बोला मैंने? इसको 8 से डिवाइड कर दीजिए। 8 से डिवाइड करोगे तो कितने आएंगे? 5। और इस बार कितने जीरो लगाने हैं? इस बार आपके पास 3 है तो 3 जीरो लगाने हैं। ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे 2 थे तो 2 लगाया, पहले 5 था अकेला तो 1 लगाया, बात समझ में आ गई? इस बार 3 है तो 3 जीरो लगा दो, ये आपके आंसर आ जाएंगे। मैं कुछ भी बोलूँ आप लोगों को, मैं कहूँ आप लोगों को 289 को 125 से मल्टीप्लाई करना है, अब कितना डिफिकल्ट हो जाता है, कितना डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन 8 में भाग देना तो ईजी है ना, 8 में भाग देना तो ईजी है ना, यस और नो कमेंट कर दो। 8 में भाग देना तो इजी है ही है, इसका 8, 8 का भाग देना तो इजी है। कितने आएंगे? 36, 36 दून, बहत्तर, क्या नाम है, 72 44, 200 288, तो ये कितने हो गए? 36.125, यही आ रहे हैं, यही आ रहे हैं। और सर हमें पता है कि सर 3 जीरो यानी 1000 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि 3 है इधर, तो कितने हो गए? 3 जीरो से 3 अट गए, तो 1 6 3 6 1 2 5, यही आपके आंसर आ गए। आगे क्या कमेंट कर दीजिए फटाफट, यस और नो, इज दैट क्लियर? यहां तक सभी को क्लियर है क्या? आज नई ट्रिक पे बढ़े, आज नई ट्रिक पे बढ़े, कमेंट कर दीजिए अगर आप लोग कहते हो, अगर समझ में आ गई हो ये चीजें। एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं, एक छोटा नंबर लेके, मैंने कहा आपको 18 को 125 से मल्टीप्लाई करना है, यस 125 से करना, 18 का 18 को 8 से 8 से डिवाइड करना है, कितने आएंगे? 2.25। और इधर आपको किस, 3 3 है तो सर 3 जीरो होने चाहिए। अब 3 जीरो में 2 तो ये अट गए, ये लो 2 जीरो से कितने आ गए? 2250 आ गए क्या? यस, बड़े आ गए। कमेंट कर दीजिए जल्दी से, अगर सभी को समझ में आ गया हो तो कमेंट कर दीजिए, यस यस का कमेंट कर दीजिए, अगर सभी को समझ में आ गया हो तो। आगे बढ़ते हैं, आज आज हम आगे बढ़ेंगे, कमेंट कर दीजिए अगर ये चीजें अगर सभी को समझ में आ गई तो। अब चलते हैं आगे की तरफ, चलिए अब आएंगी बेहतरीन ट्रिक्स, बेहतरीन ट्रिक्स आएंगी, देखना ध्यान से समझना। चलिए मैंने आप लोगों को कहा ध्यान से समझना अच्छे से, कोई भी रैंडम नंबर ले रहा हूं मैं, ध्यान से समझना, मल्टीप्लाई की ट्रिक सिखा रहा हूं मैं, 33 को 37 से, यस ध्यान समझना, कोई भी नंबर, बस शर्त क्या होनी चाहिए याद रखना, शर्त ये है इसकी, इसकी शर्त क्या है, इसकी कंडीशन क्या है वो गौर कीजिएगा। इसकी कंडीशन ये है कि जो इकाई का डिजिट है ना, इसका टोटल 10 होना चाहिए, देखो जरा 10 है क्या, यस और ये जो ढाई वाले जो है ना, ये सेम होने चाहिए, ये नंबर सेम होने चाहिए, बात समझ में आ गई? तो करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, जस्ट जस्ट क्या करना आपको, ध्यान देना, इधर ध्यान देना, सिंपल 1 सेकंड में आंसर लेके आओगे, 1 सेकंड में आंसर लेके आओगे, सिंपल 1 सेकंड में। क्या करना है, सिंपल सा, कि जो मैंने क्या बोला, इकाई के अंक का योग तो 10 होना चाहिए और जो ढाई के अंक है वो सेम होना चाहिए, कुछ भी नहीं करना, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 7 7 3 21, और इसको जो आपका जो ढाई का अंक है ना सेम वाला, उसको एक अगले से ज्यादा, एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12 आंसर। आगे बात समझ में, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि 41 49, क्या आएगा? 9 बन जा 9, लेकिन 2 डिजिट में लिखना है इसको, और इधर क्या हो जाएगा, 4 को मैं अगले से करूंगा, 4 5 20, 4 5 जा 20, ये आंसर आपके। आ गया क्या समझ में? कमेंट कर दीजिए अगर ये लाइक, अगर ये ट्रिक सबको समझ में आ गई हो तो कमेंट कर दीजिए जल्दी से, अगर ये ट्रिक सबको समझ में आ गई हो, अगर आपके इकाई का, अगर आपके इकाई का अंक, यस यानी राइट साइड में, राइट साइड में जो आपके अंक आ रहे हैं, जो डिजिट आ रहे हैं, उनका योग 10 होना चाहिए और लेफ्ट साइड वाले सेम होने चाहिए, क्या बात समझ में आई? राइट साइड वाले के तो अंकों का योग 10 होना चाहिए और लेफ्ट साइड वाले सेम होने चाहिए, दैट्स इट। कोई भी नंबर ले लो आप, मैं कहूँ आप लोगों को कोई भी नंबर लो, 53 53 हो गया, 57 हो गया, देखो 10 हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। क्या लिखोगे? 7 7 3 जा 21, और इसको अगले नेक्स्ट से 5 6 जा 30, आंसर बस। आ गया समझ में? अरे बता दो, यस। एक और देखो, मैं आप लोगों का कहता हूँ, और देख लो, मैं कहूँ आप लोगों को 82 88, क्या करना है?
सर आपस में मल्टीप्लाई 8 2 16, क्योंकि इनका योग 10 हो रहा है, और इसको क्या करना है, इसके अगले नेक्स्ट से तो 9 7 9 8 जा 72। आंसर आ गया समझ में? क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया? आज बच्चे कहाँ है मेरे को समझ नहीं आ रहा, कहाँ पे गायब है आज? आज बच्चे कहाँ पे गायब है ये समझ नहीं आ रहा मेरे को, कहाँ गायब है आज? कमेंट कीजिए। चलिए आ गया समझ में सभी को? क्लियर है? पक्का? सबको पक्का? यस। चलिए तो अब चलते हैं। सर ये तो बात हो गई राइट साइड वाली, ये तो ट्रिक नंबर हो गई आपकी 1, ट्रिक नंबर 1 हो गई आपकी। यस। ट्रिक नंबर 2, क्या सभी को क्लियर है ये? अभी 2 डिजिट की बात कर रहे हैं हम, 3 डिजिट की बात नहीं कर रहे हैं, याद रखना केवल 2 डिजिट की बात कर रहे हैं। यस। मैं आप लोगों को कोई भी नंबर दे दूं, कोई भी नंबर दे दूं बच्चे, 92 98, आंसर बता दो मेरे को जल्दी से, आंसर बता दो। कोई भी नंबर दे दूं मैं आप लोगों को, 32 38, कोई भी नंबर बता दूं आपको, 34 36। 92 98 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जल्दी से नंबर, जल्दी से आंसर बता दो, जल्दी से आंसर बता दो। आप कहोगे सर 8 2 16 और 10, 10 को इसको अगले नेक्स्ट से तो 10 10 9 जा 90, 90 90 16, बच्चे 12 नहीं 16, 8 2 जा 16 होते हैं। आ गया समझ में सभी को? आ गया सभी को समझ में? क्या सभी को समझ में आ गया? कमेंट कर दीजिए अगर ये चीजें सभी को समझ में आ गई तो, जल्दी से कमेंट कर दीजिए अगर ये ट्रिक सभी को समझ में आ गई है तो, ये ट्रिक सभी को समझ में आ गई है तो, यस और नो। 32 38 का बता दो जल्दी से मल्टीप्लाई, मैं काउंट कर रहा हूँ, 5 5 काउंट कर रहा हूँ, 5 काउंट करते ही आ जाना चाहिए अब तक तो आंसर। जल्दी से फटाफट फटाफट, बहुत बढ़िया। ओके क्या कहा मैंने सर? 16 और 3 किससे? अगले वाले से, 12 12 16। यस। बताओ कितना सिंपल था, बताओ कितना सिंपल था, कुछ था क्या इसमें? अरे कुछ था क्या इसमें बताओ मेरे को, नहीं था ना? चलिए अगर मैं आप लोगों को कहूँ कोई भी नंबर 36 34, सर आप कहोगे 24, और इधर क्या 4 3 12। आ गया समझ में? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे बढ़े, बढ़े आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रिक पे, नेक्स्ट ट्रिक पे बढ़े। चलिए तो नेक्स्ट ट्रिक आपके सामने, देखो फर्क समझना दोनों में। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अगर आपका लेफ्ट साइड का इक्वल हो, 3 3 3 2 क्या नाम है, सेम हो, और इनका योग, दूसरी ट्रिक ट्रिक नंबर 2, उसमें क्या था बच्चे, उसमें क्या है ध्यान से समझ लेना। इस बार आपके अपोजिट कर दो, इसको अपोजिट कर दो बच्चे, इस बार इधर वाला सेम होगा, यानी इधर वाले का तो 10 होगा और इधर वाला सेम होगा। यस। इस बार देखो ये सेम है और इनका योग 10 है, तब क्या करना है सर? कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा ध्यान देना है। इस बार थोड़ा सा बस एक्स्ट्रा क्या करना है, 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई तो तुम्हें करना ही है, 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई तो करना ही है। फिर इनको करना क्या, इसमें देखना आपस में मल्टीप्लाई करके, इधर वाले को आपस में मल्टीप्लाई करके जो सेम नंबर है ना वो ऐसा कैसा जोड़ दो, 8 2 जा आप कहोगे 16 16 में 4 जोड़ दो, कितने आएंगे 20, ऐसा कैसा लिख दो, बस इतना ही फर्क है। इधर तो हम क्या कर रहे थे बच्चे, इधर हम कर रहे थे 3 3 8 2 जा 16, और इससे नेक्स्ट वाले से कर रहे थे 12, ऐसा। लेकिन इसमें क्या करना है, इसमें आपको सिंपल सा करना ये है कि पहले वाले को मल्टीप्लाई तो वही, पहली स्टेप तो सबकी सेम, पहली स्टेप तो सबकी सेम, चेंज क्या हुआ सर, इस बार इसको आपस में मल्टीप्लाई करके जो से कॉमन नंबर है ना उसको जोड़ना है। मैं कहूं आप लोगों को 84 और 86, सॉरी गलत लिख दिया रुको, मैं कहूं आप लोगों को, कुछ भी मान लीजिए, मैं कहूँ आप लोगों को 93 13, आप देखो सेम है क्या? मैं कहूँ तुम लोगों को 93 13, क्या कहोगे आप सर? 9 3 जा 3 3 जा 9। यस। 3 3 जा 9 डबल डिजिट में लिखोगे, इसको क्या करना है आपस में मल्टीप्लाई करो, 9 का 9 और 3 इसमें जोड़ दो, क्योंकि कॉमन जो है उसको जोड़ दो, कितने आ गए 12, आ गए क्या आंसर, आ गए क्या आंसर, कमेंट कर दो यस और नो, जल्दी से कमेंट कर दो।
अगर सभी को समझ में आ गया हो तो जल्दी से कमेंट कर दो, अगर ये चीज़ें सभी को समझ में आ गई हो तो जल्दी से कमेंट कर दो, अगर दोनों दोनों चीज़ें सभी को समझ में आ गई हो। एक मिनट रुकना, दोनों ट्रिक समझ में आ गई, कमेंट कर दो यस और नो, जल्दी से कमेंट कर दीजिए अगर दोनों ट्रिक समझ में आ गई हो सभी बच्चों को, अगर दोनों ट्रिक्स अगर सभी बच्चों को समझ में आ गई हो तो जल्दी से कमेंट कर दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से बताओ यस यस और नो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, चलो कोई और नंबर देता हूँ मैं, कोई और नंबर देता हूँ मैंने आप लोगों को, जल्दी जल्दी दे रहा हूँ। देखो नंबर, दोनों में फ़र्क समझना, दोनों में फ़र्क समझना। मैंने आप लोगों का मैंने आप लोगों को कहा कि 21, 29 का मल्टीप्लाई बताओ मेरे को, क्या कहोगे आप सर 1 को इस बार इधर वाला सेम है, सिंपल सी बात है, ऐसा कैसा 09 और ये अपने नेक्स्ट से होगा मल्टीप्लाई, तो कितने आ गए 2 को 3 से किया तो 6, तो सर 06 यानी 609। कोई भी नंबर मान लो 33, 37, 21 नेक्स्ट से मल्टीप्लाई 12, 21 यस। मैं कोई भी नंबर दे दूं आपको 42, 48 क्या कहोगे 8 टू जै 16 अगले से मल्टीप्लाई यानी 5 टू जै 12, 5 फोर जै 20 यस। कोई भी नंबर मान लीजिए, रैंडम कोई भी नंबर उठा लीजिए, मैं कहूं आपको 61, 69 तो क्या करोगे 9 वन जा 09 ये अपने नेक्स्ट से होगा तो 7 सिक्स जा 42। ये तो बात थी कब, जब आपका लेफ्ट साइड का इक्वल हो। बाद में मैंने क्या कहा कि आपको जब राइट साइड का इक्वल हो, राइट साइड का इक्वल हो तो मैंने क्या बोला आपको राइट साइड का इक्वल हो। अच्छा लेफ्ट साइड में ये भी हो सकता है क्या, ध्यान समझना यस। अगर मैं लेफ्ट साइड में आप लोगों को कहूँ, चलो ये तो लेफ्ट साइड की बात हो गई, अगर मैं तुम लोगों को राइट साइड का कहूँ, कोई भी नंबर मैंने बताया था, कोई भी नंबर मान लीजिए कि क्या नाम है 91 और 11 सॉरी रुको 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 एक मिनट रुको, कोई भी नंबर मान लो आप, एक नंबर और, चलो पहले एक नंबर और करो मल्टीप्लाई, आंसर दो इसका, आप कहोगे 09 और 8 9 जा 72 यस। मैं कहूँ आपको 93 97 क्या कहोगे 21 और 10 टाइज 90 यस। मैं कोई भी नंबर दूँ आपको 102 108 क्या तीन डिजिट में भी हो सकता है, क्या तीन डिजिट में पॉसिबल है सर, बिल्कुल पॉसिबल है। क्या करना है 23 जा 06, 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, 11 11 10 जा 110 आगे क्या सर, क्या टू डिजिट में भी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, करो मल्टीप्लाई 103 को 107 से करो 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 करो, थ्री डिजिट में पॉसिबल है क्या यस, 73 जा 21 ऐसा कैसा, 10 किससे मल्टीप्लाई होगा 11 से, 11 10 जा 110 आ गया। कोई भी नंबर मान लो, कोई भी नंबर 104 106 बिल्कुल कितने आ गए 24 और 110 आ गया, समझ में क्या सबको क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है क्या यस और नो, यस और नो सर। ये कब है बच्चे, जब हमने क्या कहा कि जब आपके लेफ्ट साइड के नंबर इक्वल होते हैं, लेफ्ट साइड के नंबर इक्वल होते तब, राइट साइड के लिए मैंने बता ही दिया आप लोगों को कि सर आपस में मल्टीप्लाई करके आपको जोड़ना है, राइट साइड के इक्वल हो तब सर, राइट साइड के इक्वल हो तब क्या करना है, राइट साइड में मैंने क्या बोला आप लोगों को क्या नाम है, कोई भी नंबर लो 93 और 13 या फिर 91 सॉरी कुछ भी मान लो, चलो 3। अब देखो इधर इसमें गौर करो एक बार, 93 को 13 से करेंगे तब क्या आएगा, आंसर बताओ 93 को 13 से करेंगे तो क्या करोगे सर, आपस में मल्टीप्लाई 09, आपस में मल्टीप्लाई 09, 09 में 3 जोड़ेंगे तो 12 यस, क्लियर है सभी को। आगे मैं बोलता हूँ अगला नंबर, कोई भी नंबर मान लो आप खुद सोचो, खुद सोच के खुद नंबर बनाओ यस। आगे बात समझ में,
क्लियर है? तो क्या यहां तक ट्रिक सभी को क्लियर है? अगर आ गई समझ में तो आगे बढ़े, अगर यहां तक की ट्रिक सभी को क्लियर है तो आगे बढ़े नेक्स्ट ट्रिक पे, जल्दी से नेक्स्ट ट्रिक पे बढ़े। कि सर ये तो बात हो गई जब सेम नंबर हो, मतलब जिनका इकाई अंक सेम हो, या फिर दूसरे वाले में दूसरी ट्रिक मैंने बताई जिसका इकाई सेम हो और वो दूसरे क्या नाम दाई के अंक का योग 10 हो। सर अलग अलग नंबर हो तब क्या करें? सिंपल सा ध्यान से देख लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर अलग अलग नंबर है तो ध्यान से देख लेना, मैंने आप लोगों का 23, 112, क्या सारे नंबर अलग अलग है? सर सारे नंबर अलग अलग है, हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे इकाई का अंक बराबर हो चाहे कुछ हो, हमें कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ गई? यस और नो कमेंट कर दीजिए, एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए। इस बार सब कुछ अलग है? यस। अब गौर कीजिएगा क्या करना है। सबसे पहली स्टेप, आपस में मल्टीप्लाई, 3 2 6 लिख दूं 6? यस सर। अगली स्टेप, आपस में मल्टीप्लाई क्रॉस में, 2 2 4 और 3 1 3। तो 2 2 4 में 3 जोड़ोगे तो आपके क्या आएंगे? 7। ऐसे कैसे लिख दो? आपस में मल्टीप्लाई करके क्रॉस में दोनों को जोड़ दो और जो लास्ट वाले हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 1। ये आपके आंसर, बस यही आपके आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? क्या मेरी बात समझ में आ गई? आपस में मल्टीप्लाई सबसे पहली स्टेप, इसको आप फॉर्मूले के रूप में भी समझ सकते हो। देखो मैंने कहा कि ए और बी, फिर मैंने कहा आपको सी और डी। क्या करना है? स्टेप वन आपको करना है बी और डी आपस में मल्टीप्लाई, यानी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई। अगली स्टेप टू में आपको क्या करना है? ये करना है फास्ट ए को डी से मल्टीप्लाई, फिर उसको जोड़ना है किसमें? सी को डी से मल्टीप्लाई करके दोनों को आपस में जोड़ दो। स्टेप थर्ड हमें क्या करना है? स्टेप थर्ड आपको करना है ए और सी को आपस में मल्टीप्लाई। दैट्स इट, बस। रिपीट करूं? बिल्कुल रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझना। कोई भी नंबर लो, और नंबर लो, चलो कोई और नंबर लो। मैंने दूसरा नंबर बताया आपको, मैं बोलता हूं आपको 57 और 22 मान लो। यस, मैंने नंबर बताया आपको। सबसे पहला मैंने क्या बोला कि सर सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉरी 53 बोलो इसको, 53 मान लो एक बार। यस, डिजिट का आपको थोड़ा दिक्कत है। सी को बी से, ये लो। बस ध्यान देना इधर, क्या करना है मेरे को? पहला स्टेप बचे, आप खुद बताओ, 3 2 6 लिख दूं ऐसा? कैसा लिख दिया मैंने? क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 2 10, 5 2 10, 3 2 6, तो कितने हो गए? 16। 16 का अकेला डिजिट लिखना है, याद रखना, 16 का 6 और 1 आपके पास कैरी आ गया, 5 2 10 और 1 आपके पास कैरी था 11। ये आपके आंसर आ गया। आंसर समझ में, क्या सबको समझ में आ गया? यस और नो, क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? यस और नो कमेंट कर दीजिए फटाफट, अगर ये बातें सबको क्लियर हो गई है तो जल्दी से। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बढ़ते हैं आगे। यस, कोई और नंबर लेते हैं। मैंने कहा आपको 83 को 45 से मल्टीप्लाई कर दो। आप कहोगे सर 83 को 45 से, ध्यान से समझना इसको, इस नंबर को ध्यान से समझना, इसमें सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। 3 5 15, सर 15 का सिंगल डिजिट यूज में लेना है, एक कैरी आपके पास रखो, रखो उसको एक कैरी को, आपस में मल्टीप्लाई, 8 5 40 और 4 3 12, तो 40 और 12 52 और एक कैरी था, 52 और 1 53 का 3 ऐसा कैसा, और 5 कैरी हमारे पास। यस, 5 कैरी, 8 8 4 32, 32 और 5 सर 37। सुमित जी 37 35 आंसर आएगा, 33 35 नहीं आएगा, कैरी गलत ले लिया आपने। क्या सबको समझ में आ गया? ये चीजें करनी है आपको फास्ट, क्या सबको क्लियर हो गया? यस और नो कमेंट फास्ट, जल्दी से। सबको क्लियर हो गया? यस, सुमित जी, एंजल जी, छावी, पल्लवी शर्मा, यस, यस और नो कमेंट फास्ट, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। अगर ये चीजें अगर सभी को समझ में आ गई हो तो, अच्छे से समझ में आ गई हो तो कमेंट कर दीजिए फटाफट, यस और नो। इज दैट क्लियर? पक्का, श्योर? यस सर, 37 35। तो क्या मैं मान के चलूं कि सर 32 वाले में, देखो याद रखो इस चीज को,
इस बात को याद रखो, अगर आपका इकाई का अंक सेम है ना और दहाई के अंक का योग 10 है तो आपको वो इस्तेमाल करना है। मैंने क्या कहा, अगर यहाँ पे मान लो अगर ये होता ना 53 57, तो बच्चे क्या करते आप, क्या करते बच्चे, 7 3 21, 5 को 6 से अगले वाले से, तो यानी 30 30 30 30 21। यस, बात समझ में आ रही है? कौन सी ट्रिक कब इस्तेमाल करनी है ये आपको क्लिक हो जानी चाहिए, कब होनी चाहिए, कब कि सर इसमें सर इकाई का अंक इनका जो सेम था और जो इकाई का अंक उनका योग 10 था। बात समझ में आ रही मेरी? क्या मेरी बात समझ में आ गई सभी बच्चों को, कमेंट कर दीजिए यस और नो। यस, अगर यही अगर उल्टा होता तो, यही अगर उल्टा होता तो मैं कह दूं कि सर ये होता, मान लो सेम करने के लिए मैं मान लीजिए मैं कहता कि 84 और 24। अब जरा चेक करो क्या 10 हो रहा है क्या दोनों का योग, यानी आपको बस चेक करना है अगर किसी का अंक 10 हो रहा है और अगर वो दूसरा वाला सेम है, क्या करना है, 8 4 4 4 जा 16, ऐसा कैसा लिख दिया, 8 2 जा 16, और जो आपके पास सेम है उसको जोड़ दो, कितनी आ गई 20। ये दूसरी ट्रिक थी, ये दूसरी ट्रिक थी। टोटल मैंने 3 ट्रिक समझा दी है। ये जो ट्रिक है ना बच्चे, ये जो ट्रिक है ये यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सल है, ये हर किसी पे काम करेगी। कैसे, आपको ना इकाई का अंक देखना ना दहाई का, सीधा सीधा करो बस। जैसे ये है मान लो 8 4 2 4 ही मान लो, चलो 4 4 जा 16, 16 हो गए, 16 का आपने क्या लिखा, 6 लिखा, 1 कैरी चला गया। 8 4 जा 32, 32 और 8 40, 40 में 1 जोड़ा तो 41, 1 का 1 4 कैरी, 8 7 56 और 4 बोलो, सॉरी ये क्या कितने है? 24 है या 74 है, मैंने 24 लिखा है, 24 है, सॉरी 24 24 था ना, हाँ, तो 8 2 जा 16, 16 और 4 20 आ गए क्या। ये सब पे काम करेगी, ये सब पे काम करेगी, अगर इसको आप अप्लाई कर लेते हो तो ये सब पे काम करेगी, अगर इसको अच्छे से पकड़ बना लिए तो ये सब पे काम करेगी। अगर सभी को समझ में आ गई हो बात, कमेंट कर दीजिए अगर ये बात सबको समझ में आ गई हो। कोई नंबर और देता हूं मैं, कोई भी नंबर मान लीजिए, मैं आपको कोई भी नंबर देता हूं बच्चे, चलो चलो मैंने 27 और 43 का नंबर दिया आपको, बता दो जल्दी फटाफट, कैसे सर कैसे बताएं, 7 3 जा 21, यस 7 3 जा 21, 2 का 2 1 आपने कैरी ले लिया। आ रही है बात समझ में, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या करना आपको, सॉरी 1 1 ऐसा कैसा आएगा और ये कैरी। चलो पहले तुम लोग बताओ फिर मैं बताऊंगा आप लोगों को, चलो इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोग दो, फिर मैं 2 3 क्वेश्चन दे देता हूँ आपको फिर तुम लोग बताओ। 47 बताओ जल्दी क्या आंसर आएगा, 951, अच्छा जी 1141, ओके बच्चे 951, देखो जरा चेक करो कहाँ गलती हुई है बच्चे, 2 कैरी जाएगा बिल्कुल, चेक करो कहाँ गलती हुई है, चेक करो। अरे बच्चे 7 3 जा 21, 21 में 2 कैरी जाएगा, 1 ऐसा कैसा 2 कैरी जाएगा, 3 2 जा 6, 7 4 जा 28, 28 28 और 6 कितने, 34, 34 और 6, 34 और 2 36, 6 ऐसा कैसा 3 कैरी चला गया, 4 2 8 और 3 11 ऐसा कैसा आंसर, 1161 बोलो, आ तो गए बच्चे, बोलिए आ तो गए बच्चे। आगे बात समझ में, क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई, क्या सबको ट्रिक समझ में आ गई, कमेंट कर दीजिए। क्या 2 डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, किसी भी नंबर का दे दूं तो, किसी भी नंबर का दे दूं कर दोगे यस और नो, किसी भी नंबर का दे दूं कर दोगे यस और नो, किसी भी नंबर का कर दोगे यस, कोई दिक्कत नहीं आएगी पक्का श्योर। अच्छा चलो बढ़ो आगे, 2 कैरी ध्यान नहीं दिया मैंने, कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। दोबारा बताइए सर मैं अभी आया हूँ, ओके चलिए दोबारा बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा बच्चे, ध्यान से देखिएगा मैंने क्या कहा आप लोगों को, देखना। अरे ये क्या हो गया, एक मिनट गौर कीजिएगा, इधर मैंने आप लोगों को एक नंबर दिया, कोई भी नंबर मान लो, कोई भी एक पार्टिकुलर नंबर उठा लो आप, कोई भी एक नंबर उठा लो, आपको मैंने कहा कि सर आपको 43 को 27 से मल्टीप्लाई करना है यस, क्या करना है ध्यान से समझ लो, आपस में मल्टीप्लाई पहले वाले का कर दिया, कितने होते हैं 7 3 जा 21, 21 21 में कैरी कितनी होती है 2 1, ऐसा कैसा लिख लो 2 कैरी आ गई, उसको साइड में लिख लो। अब करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 को 4 से 28 और 2 को 3 से यानी 6,
दोनों को आपस में जोड़ दो, 28 और 6 34, 34 के अंदर ये दो कैरी जोड़ दो 36, 36 में 6 ऐसा कैसा, तीन कैरी अपने पास रखो। लास्ट में इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 4 टू जा 8 और तीन कैरी जोड़ दो, ये लो 11। आ गया समझ में? आ गया समझ में बच्चे? क्या सबको समझ में आ गया? कमेंट कर दो यस और नो। क्लियर हो गया बच्चे? दीपांशु जी यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। गौर कीजिएगा अब नई चीज। यस, चलिए बहुत बढ़िया। तो यानी किसी भी नंबर का आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी भी नंबर का आप आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई नहीं रोकने वाला तुम लोगों को, कोई नहीं रोकने वाला बच्चे, याद रखना कोई नहीं रोकने वाला तुम लोगों को। किसी भी नंबर का कैसे भी करो, तुम लोगों को मैं कहूँ, आप लोगों को मैं कहूँ कि 72 का मल्टीप्लाई कर दो 43 से, कर दोगे क्या? अरे सर बिल्कुल कर देंगे, 3 टू जा 6, 7 ये 21 और 4 ये 4 दूनी 8, 21 और 8 21 और 8 29, 9 का 9 दो कैरी, 7 चौक 28 दो 30, 30 96। बोलो कितनी फास्ट हुआ है, बिल्कुल। हाँ नंबर देता हूँ, चलो मैं आपको अभी दे देता हूँ नंबर, चलो आ जाओ, आपको नंबर देता हूँ मैं 41, 57 करो मल्टीप्लाई, और 91 और 93 करो मल्टीप्लाई, मैंने कोई भी नंबर दे दिया कोई भी मान लो आप, और 79, 43 करो मल्टीप्लाई। पहले का आंसर दो, पहले वाले का आंसर दो मेरे को, पहले वाले का आंसर दो, पहले वाले का आंसर दो। देखो 50 ट्रिक्स याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को मैं बता दूं। सर क्या आपने जो बेस 10 वाला बताया था क्या वो इससे भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है बच्चे, इससे भी होगा, इससे भी होगा बच्चे। यस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे। संडे को ध्यान रखिएगा, संडे को आप लोगों के लिए मैंने एक लाइव सेशन रखा है, लाइव सेशन रखा है। जिन बच्चों का कल SBI RRB PO में सिलेक्शन हुआ है उन बच्चों के साथ, तो आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर कर देंगे। ओके पहले क्वेश्चन को जरा गौर से देखो, सर 7 को 1 से किया, आप कहोगे 7 ठीक है सर, आपस में मल्टीप्लाई किया, 7 टू 4 जा 28 और 5 का 5 28 और 5 आप कहोगे 33, 3 का 3 3 कैरी ले लिया, 5 4 जा 20 20 और 3 23, क्या यही आंसर आ रहा है आपका? 23 37 क्या पहले का यही आंसर आ रहा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। अगले वाले को चेक करो, 9 3 जा 27, 27 में 7 ऐसा कैसा, 2 कैरी, 7 3 जा 21 और 9 4 जा 36, 36 और देखो 36 है, 36 में 20 जोड़ो डायरेक्ट, कितने होंगे 56 और एक 57, 57 में 2 जोड़ा तो 59, एक 9 का 9 5 ऐसा कैसा, 7 चौक 28 और 5 33, क्या हुआ? मैं इसकी बात कर रहा हूं, 33 97 नहीं आ रहा क्या इसका? बोलो 23 97 कैसे, 33 97 नहीं आ रहा क्या इसका? थर्ड का यस, हाँ थर्ड का देखो, थर्ड वाले पे आ जाओ सर, 3 3 जा 3 आपस में मल्टीप्लाई करो, 9 3 जा 37 27 और 9 का 9 तो 27 और 9 36 यस, 6 का 6 3 ऐसा कैसा, 81 और 3 84 84 63, क्या है आपका आंसर? 84 63 आएगा ना। आ गया समझ में? ट्रिक सबको समझ में आ गई, आई होप सबको समझ में आ गई। ये थी अपनी डबल मल्टीप्लाई, यानी दो डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करना। जल्दी से एक बार थम्स अप कर दीजिए अगर ये ट्रिक्स अगर सभी को समझ में आ गई हो तो। इनको आज तुम लोगों को 50 क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस करना है, यस 50 क्वेश्चन तुम लोगों को घर पे प्रैक्टिस करना है, ताकि तुम लोगों को रेगुलर हमेशा याद रखो, इन्हीं को यूज में लेना है, इन्हीं को यूज में लेना है तुम लोगों को। फटाफट करने की कोशिश क्या करो, फटाफट करने की कोशिश क्या करो। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई यस और नो? अच्छा एक बात और ध्यान से देख लो इधर, ध्यान से देख लो इधर, एक चीज और बता दूं मैं, जो 90 देखो ध्यान से समझना यहाँ पे क्या कह रहा हूं मैं, गौर कीजिएगा इधर, गौर कीजिएगा सभी बच्चे, गौर कीजिएगा गौर कीजिएगा।
जो 90 110 के आसपास के है ना, 90 से लेके 110 के आसपास के मल्टीप्लाई होते हैं ना आपस में, उनको करना बहुत इजी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 102 को आप करना है 103 से मल्टीप्लाई, ये सबसे इजी है। बस ये चेक करो कितना ज्यादा, सर 2 से ज्यादा, यस सर ये कितने ज्यादा, सर ये 3 ज्यादा, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो 06। अब करना क्या है, बस इनको क्रॉस में जोड़ दो, बस किसी वाले को ले लो, चाहे इस वाले जोड़ो को ले लो चाहे इस वाले को, कितने आएंगे 105। बस आंसर यही आपके आंसर है, कोई भी नंबर उठा लो, कोई भी नंबर आपकी इच्छा है वो 104 को 105 से करना है, कितने आएंगे 5 चौक 20, डायरेक्ट 20 लिखो, यस 5 चौक 20। लेकिन आपको करना क्या है, पहले इसमें साइड में लिख लिया करो, तुम लोग गलती करोगे नहीं तो क्या करना है, कितने ज्यादा 100 से कितने ज्यादा बच्चे, आप कहोगे +4, आप कहोगे सर +5। अब देखो या तो आप ये ले लो इनको जोड़ लो, या फिर आप इनको जोड़ लो, बात एक ये दोनों का सेम ही आएगा 104 और 5 109, बात सेम ही आएगा, कैसे भी कर लो सेम ही आएगा, सेम ही आएगा, सेम ही आएगा। कोई भी नंबर उठा लो, पर्टिकुलरली कोई भी नंबर आपकी इच्छा हो, 108 को 103 से करना आपको, कितने ज्यादा सर आप कहोगे +8 ज्यादा, ये कितने ज्यादा +3 ज्यादा, 8 3 24, ऐसा कैसा, बस जोड़ दो आपस में, जोड़ दो इनको इस तरीके से 111 आंसर, बस ये आपके आंसर, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर। बच्चे आज बहुत लेट आ रहे हैं, क्या क्या रीजन है भाई, क्या रीजन है, क्या कहा मैंने, कोई भी नंबर हो बच्चे, कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई भी नंबर का, क्लियर है सभी को, यस ये ट्रिक्स मैंने पढ़ा दी आज आप लोगों को, यस। अच्छा सर 90 से 100 से कम हो तो 100 से कम वालों को भी कर सकते हैं, जैसे 92 को 93 से करना है, कितना कम ये 100 से कितना कम, आप कहोगे 8 कम, ये कितना कम सर 7 कम, आपस में मल्टीप्लाई कर दो 8 7 जा 56। अब करना क्या है, या तो किसी भी जोड़े को उठा लो इसमें से कम कर दो, 92 में से 7 जाएंगे कम करोगे तो कितने आएंगे 85 आ गए क्या, 85 56, कैसे भी कर लो आपके ऊपर है, चाहे वो ट्रिक यूज में ले लो, दो डिजिट वाली बताई मैंने, जल्दी से कमेंट कर दो अगर ये चीज सबको समझ में आ गई हो तो, जल्दी से कमेंट कर दीजिए यस और नो, क्लियर है सभी को, यस बात समझ में आ गई बच्चे, बात समझ में आ गई सभी बच्चों को, यस। अब हम करेंगे बाकी कल, ओके। और जैसा कि मैंने बता दिया है 16 तारीख से अपना बैच स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल बेसिक से, कोड के लिए मैंने बता ही दिया आप लोगों को, कोड आप यूज में ले सकते हैं राज एस लाइव, यस मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और रेगुलर मेरी फ्री क्लासेस जो होती है वो अनअकैडमी पे होती है, फ्री क्लासेस होती है, फ्री मॉक टेस्ट होता है मेरा रीजनिंग का, रीजनिंग प्लस क्वांट का एक ही क्लास में मॉक टेस्ट कराता हूँ मैं 1 PM और रात को 10 बजे, फ्री क्लासेस है बच्चे। जो बच्चा पहली बार अनअकैडमी पे मेरी क्लास ज्वाइन करने जाएगा वो कोड यूज में लीजिएगा, अनलॉक कोड RJ10, यस RJ10 कैपिटल लेटर में, आप रेफरल कोड में RJ10 यूज करके या फिर राज एस लाइव भी यूज करके आप डिस्काउंट पा सकते हैं, क्लियर है सभी को, यस। लाइव सेशन का टाइम बच्चे 6 बजे का बता तो दिया अपना, टाइम फिक्स है 6 बजे का, बच्चे कहाँ बताऊँ अब बताइए, कहाँ बताऊँ अब, टाइम ही नहीं है, तुम लोग आए तो पहले तो आए नहीं, तुम लोग इनइक्वलिटी के बारे में कहाँ बताऊँ, बच्चे ही नहीं आए थे आज, मैंने कहा था कि अगर आओगे तो मैं करवाऊंगा, इतनी ट्रिक्स बता दी मैंने, इनइक्वलिटी करवाना था, ओके चलिए। तो सेशन एंड करेंगे आज का सेशन एंड करेंगे, चलिए बाय, टेक।